हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल. अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर्स बिकॉज 2024 की मेरी फर्स्ट वीडियो है ये. मैं इस वीडियो में ऐसी कुछ चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ जो मैंने अपनी पुरानी किसी भी वीडियो में नहीं करी है. अगर आपने ड्रीम देखा है दैट यू वांट टू बी फिट, यू वांट टू बी हेल्दी और यू वांट टू लूज वेट इन 2024, देन इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना एंड समझना बिकॉज इट्स गोना रियली रियली हेल्प यू. वन ऑफ माई क्लाइंट्स रिसेंटली टोल्ड मी दैट डाइट प्लान्स तो मैम बहुत ईजिली कहीं भी आजकल मिल जाते हैं, विच इज़ ट्रू ऑल्सो. इंटरनेट पर डाइट प्लान्स आर सो ईजिली अवेलेबल एंड दैट इज़ वॉट हिट मी. मैंने कहा यार येस, एक्चुअली प्लान्स के लिए नहीं लोग मेरे पास आते हैं, दे कम फॉर मैं उनको पर्सनली हेल्प करूँगी. दैट्स द रियल मोटिव बिहाइंड एवरीथिंग, कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है दे कैन कम टू मी. इट्स नॉट रियली अबाउट द डाइट प्लान ओनली बिकॉज डाइट प्लान्स तो बहुत ईजिली अवेलेबल रहते हैं. दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट, कि आपके पास अगर डाइट प्लान्स भी हैं बट स्टिल यू आर अनएबल टू लूज द वेट क्योंकि आपकी प्रॉब्लम को आप नहीं समझे हैं, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम कुछ और है एंड यू आर वर्किंग ऑन समथिंग एल्स. टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स विच कम्स इन द वे ऑफ आर फिटनेस जर्नी, या फिर हमें वेट लूज नहीं करने देती है इवन इफ वी ट्राई वेरी वेरी हार्ड. ऑल राइट, सो द फर्स्ट प्रॉब्लम इज ओवर ईटिंग. ये जर्नी में मैंने एक चीज़ देखी, जो लोग भी मेरे पास आते हैं मोस्टली आर द पीपल जो ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं. मोस्टली दे आर द पीपल हु हैव अडिक्शन टूवर्ड्स फूड. प्रॉब्लम डेवलप क्यों हुई है, क्योंकि वी आर ऑल वॉचिंग टीवी वाइल वी आर ईटिंग फूड. एंड मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं गिल्टी नहीं हूँ इस चीज़ की, मैं खुद भी बहुत गिल्टी हूँ इस चीज़ की, बट लॉट ऑफ पीपल दे आर ओवर ईटिंग ओनली बिकॉज ऑफ दिस हैबिट. पहले हम लोग अच्छे से साथ में बैठकर फैमिली यूज़ टू ईट फूड एंड उतना ही वी यूज़ टू ईट जितना हमें मन करता था खाने का. अब लाइफ हैज़ बिकम सो लोनली फॉर अ लॉट ऑफ पीपल दैट वी कीप ऑन ईटिंग फूड बिकॉज इट गिव्स अस डोपामीन एंड दैट्स व्हाई वी कीप ऑन ईटिंग द फूड. एंड आई रियली फील दैट अगर हम ये अपने इशू को सॉल्व कर दें तो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विल डेफिनेटली बी सॉल्व. तो ओवर ईटिंग अगर आपका प्रॉब्लम है देन जस्ट मेक अ प्लान फॉर योर सेल्फ एंड एक डाइट प्लान ऐसा बनाओ जो आप जिससे स्टिक कर रह सको. और उस प्लान को फॉलो करने के लिए सिर्फ आपको प्लान नहीं चाहिए, आपको एक माइंडसेट चाहिए. दैट योर माइंडसेट शुड बी आर नो मैटर व्हाट आई एम गोना स्टिक टू इट. एंड धीरे धीरे यू विल रियलाइज आपकी ओवर ईटिंग की हैबिट जस्ट बाय फॉलोइंग ए स्ट्रिक्ट डाइट प्लान चली जाएगी. सो लॉट ऑफ पीपल हु कम टू मी उनकी ऑलरेडी जो ओवर ईटिंग हैबिट होती है वो खत्म हो जाती है ऑटोमेटिकली, लाइक लिटरली दे ईट नॉर्मली आफ्टर दे गो फ्रॉम दिस प्रोग्राम. उनको समझ आ जाता है कि ये पोर्शन साइजेस वर्क वेल फॉर मी, तो वो उतना ही लिटरली स्टार्ट कर देते हैं ईट करना. एंड एटलीस्ट इफ दे डोंट लूज द वेट आफ्टरवर्ड्स दे डोंट गेन इट बैक और वो मेंटेन रहता है उनका वेट. आपको जो अपने पोर्शन साइजेस होते हैं उन पर ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है. और प्लान को ऐसा नहीं या आप लोग कि सिर्फ और सिर्फ एक महीने तक का प्लान बनाया और वो फॉलो किया, कुछ नहीं होता एक महीने में. 4-5 किलो मुश्किल से आप लूज कर पाते हो, मैक्सिमम दैट टू. एंड इट डिपेंड्स ऑन योर मेटाबॉलिज्म, योर एज, किस तरीके से योर ईटिंग या आपका प्लान क्या है, अ लॉट ऑफ थिंग्स रियली कम्स इन टू प्ले. बट मैक्स आप इतना लूज कर पाते हो एक महीने में एंड देन यू गो बैक टू योर नॉर्मल ईटिंग हैबिट्स, तो नथिंग रियली चेंजेस और वो बैक एंड फोर्थ होता रहता है. तो अपना माइंडसेट आपको बनाना है फॉर मिनिमम 3 months, इवन टू अप टू 6 months. ऐसे सोचने में लगता है यार 3 months 6 months आई विल गिव टू लूजिंग वेट, लेकिन अगर आप देखो कि 3 months 6 months में आपकी लाइफ चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है एंड यू विल नेवर हैव टू वरी अबाउट लूजिंग द वेट अगेन, विल इट लुक लाइक अ बिग प्रॉब्लम टू यू? आई डोंट थिंक सो. फिर आपको ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं लगेगी, फिर आपको ये प्रॉब्लम छोटी ही लगेगी. सो यस, मेक श्योर करो कि आप प्लान मिनिमम 3 months का बनाओ एंड देन अपना वेट चेक करो एवरी डे या फिर हफ्ते में एक बार, वॉट एवर कीप्स यू मोटिवेटेड एंड जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, डू दैट. ठीक है. और हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, स्नैकिंग मत करो. ठीक है, देयर शुड बी लिटरली जीरो स्नैकिंग. वैसे तो अगर आप ओवर ईटिंग की हैबिट है आपको, तो वो इम्प्रूव करने के लिए स्नैकिंग नहीं करनी चाहिए. सिर्फ 3 main meals लो, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. और ब्रेकफास्ट के साथ फ्रूट्स ले लो, लंच के साथ अपना सैलड ले लो एंड डिनर में समथिंग लाइट. इस तरीके से अगर आप करोगे तो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा वेट लॉस होगा. बट जस्ट इन केस यू वॉन्ट टू स्टिल स्नैक ऑन क्योंकि आपकी बहुत गंदी हैबिट पड़ी हुई है, तो एटलीस्ट ट्रांजिशन टू फ्रूट्स, हेल्दी स्नैकिंग करो. 1 या 2 फ्रूट दिन में लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप वो ले सकते हो.
और उससे स्नैक कर सकते हो. सो दैट्स लाइक द मेन थिंग कि आप अपने एक कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाओ एंड देन यू फॉलो देम. अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम, डोंट थिंक अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट दिस प्रॉब्लम, इज इमोशनल ईटिंग. सो वॉट इज इमोशनल ईटिंग? सो वेन एवर यू आर सैड इन लाइफ बिकॉज ऑफ एनी थिंग, या आपको कोई भी प्रॉब्लम है इन लाइफ, यू टर्न टू फूड फॉर हैप्पीनेस. That is emotional eating. या you develop some kind of disorder, bully किया आपके weight के लिए कभी, या फिर you just don't feel good when you see yourself in mirror, and then you develop certain kind of disorders. या फिर आप अपनी कई बार weight loss journey पर होते हो, and while you are on the weight loss journey, you develop a kind of disorder because you want more and more and more, but you do not celebrate जो अभी at the present आपका प्रोसेस चल रहा है. सो ऑलवेज फोकस ऑन द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ जस्ट थिंकिंग अबाउट कि आई वॉन्ट टू रीच देयर. जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट दैट एंड ओनली फोकस ऑन द प्रोसेस. इमोशनल ईटिंग देखो शुड बी डेल्ट वेरी वेरी डिफरेंटली एंड वेरी डेलिकेटली बिकॉज इट्स नॉट सेम एज ओवर ईटिंग. सो यू कॉन्ट रियली एक्सपेक्ट कि आप वेट लॉस भी कर लो इमोशनल ईटिंग के साथ. नहीं, अगर आपकी प्रॉब्लम इमोशनल ईटिंग है, देन यू हैव टू रिकवर फ्रॉम इट फर्स्ट एंड देन थिंक अबाउट वेट लॉस. मतलब बहुत टाइम बाद यू शुड जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट वेट लॉस फॉर नाउ. जस्ट फोकस ऑन ईटिंग हेल्दी, लिसनिंग टू योर बॉडी. वेन एवर यू आर हंग्री, ईट. आई नो इट कैन बी वेरी फ्राइटनिंग कि how can I give away all the control that I have in regards of food, but that is definitely possible. बस आपको बार बार जो आपके अंदर आवाज़ आएगी ना confusion की या questions आएंगे, उनको आपको हटा कर एक ही चीज़ सोचनी है, नहीं, I will only eat when I'm hungry. No other rule for me. Always keep reminding yourself this and definitely आपको ये problem solve होती हुई दिखेगी for sure. सबसे पहले ये देखो कि क्या ऐसा reason है जो आपकी life में unhappiness create कर रहा है, और अगर आप उसको solve कर सकते हो तो सबसे पहले उसे solve करो instead of focusing on emotional eating या eating disorder. Think of ki how you can solve that problem which is making you do this. To wo problem solve karo. But if the problem is something which you just cannot do anything about, then try to live with it, deal with it. Aur acha ek main bahut acha aapko cheez batati hu which will definitely help you a lot to come out of that emotional eating pattern, that you make a routine for yourself. It's very important, guys. Make a solid routine for yourself. And I'm not just talking about eating routine. I'm talking about waking up routine. Go for walks every day. Nature mein walk karna bahut important hai. Read a book every day, even if that is one page or two page every single day. Do things that are very rare in today's time. Like, talk to your friends. Make genuine friends. Make genuine connections. और अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी loneliness दूर करने के लिए ही social media को देखते हो, तो stop doing that and instead make genuine connections if it's possible for you. कुछ ऐसी activities join करो जिससे आपको थोड़ा सा अच्छा लगे दिन में, and you look forward to that activity which you really enjoy. Do that. और weight loss की चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो for like next 6 months or even a year and just focus on recovering. Routine will definitely help you a lot, guys. Routine से बहुत ज़्यादा difference पड़ता है. I have worked with a lot of my clients who have had this kind of disorder या फिर some kind of eating disorder. And the only thing that has worked on literally everyone is setting a routine. Ki uthne ka time fix, raat mein sone ka time fix, eating jo meal timings hain wo fix. Jaise I'll tell you one thing ki agar aapko koi bimari hai, for example diabetes ki bimari hai, you will carry your medicines everywhere you go, right? Usi tarike se if you have an eating disorder, carry your food along with yourself every single place. आपको पता है कि आपको खाने से दिक्कत होती है किसी ना किसी तरीके का, आप इमोशनल ईटिंग स्टार्ट कर देते हो, तो मेक श्योर करो कि आप पहले से ही अपना हेल्दी फूड बना कर रखो. एंड हेल्दी फूड कैन ऑल्सो बी दाल राइस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सैलड्स एंड सूप्स. ओके, हेल्दी फूड कैन बी रोटी विथ सब्जीज, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स. हेल्दी फूड इज ऑल ऑफ दैट जो हम डेफिनेटली इंडियंस, एज इंडियंस वी ईट ऑल ऑफ दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो मेक श्योर करो कि आप वो सारी चीज़ें अपनी
डाइट में इंक्लूड करो एंड दिस इज़ गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. रूटीन से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, ट्रस्ट मी ऑन दैट. सो मेक अ वेरी वेरी सॉलिड रूटीन फॉर योर सेल्फ. एंड ऑफकोर्स अगर आपको ईटिंग डिसऑर्डर है, इट्स नॉट गोइंग टू जस्ट टेक अ वीक एंड सॉल्व हो जाए, नहीं, इट विल टेक मंथ्स. सो बी रेडी टू गिव मंथ्स टू दिस थिंग. अगर आप जेन्युइनली ऑनेस्टली डिसिप्लिन रखोगे और बस इतनी चीज़ सुनोगे ना दैट ओके वेन एवर आई एम गोना फील हंग्री आई विल ईट, और थोड़े टाइम में आपको पता चल जाएगा कि कब कब आप हंग्री फील करते हो, फिर वो उन टाइमिंग्स के पहले ही, मतलब वो जो टाइम आएगा, जैसे आप 10 बजे सुबह हंग्री फील करते हो अगर, तो आप उसके पहले ही, एक रात पहले ही, मतलब इनफैक्ट आप बनाकर अपना ब्रेकफास्ट रख दो, सो दैट आप 10 बजे जब खाओगे तो वो बॉक्स उठाओ और वो आप ईट करो. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रेश फूड ईटिंग से ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू ईट हेल्दी फूड एंड यू ईट अ फूड जो आपने पहले से प्रिपेयर करके रखा है, सो दैट वेन एवर यू गेट दिस क्रेविंग ऑफ कि मैं अब चलो आई स्विच ऑन द टीवी एंड आई जस्ट यू नो मेरी लोनलीनेस को फूड से दूर करो, इंस्टेड जस्ट सर्च फॉर दैट डब्बा, फॉलो दैट रूटीन एंड वॉक करो, फिजिकल एक्टिविटीज़ करो, जो भी करना है, मतलब जो इन्जॉय करो ना आप फिजिकल एक्टिविटीज, स्वेट इट आउट, उस तरीके की एक्टिविटी करो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल यू वांट टू रिकवर फ्रॉम इमोशनल ईटिंग डिसऑर्डर्स. एंड ट्रस्ट मी वंस यू टैकल विद दिस प्रॉब्लम एवरीथिंग एल्स विल फॉल इन प्लेस एंड लिटरली देयर विल बी नो प्रॉब्लम लेफ्ट. ने आप यू विल सी योर लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड, क्योंकि यही दो प्रॉब्लम होती हैं जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से लोग लूज़ नहीं कर पाते. इवन आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड, डाइट प्लान भी ले लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, बट दे विल नॉट रियली फिक्स देयर प्रॉब्लम फर्स्ट. क्योंकि प्रॉब्लम जो थी, जिस वजह से आपने गेन किया है, अगर आप उसी को सॉल्व नहीं करोगे देन नथिंग विल रियली हेल्प. नो कैलोरी डेफिसिट डाइट, नो ईटिंग आफ्टर 6 PM, या फिर सॉल्ट ना लेना डिनर में, ये सब चीज़ें ये नहीं वर्क करती हैं. और मोटिवेशन आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, बट वॉट कीप्स यू गोइंग इज़ योर डिसिप्लिन दैट नो मैटर वॉट, इस टाइम पर आई ईट, मतलब इसी टाइम पर आई एम गोना ईट, इस टाइम पर आई स्लीप, मतलब इसी टाइम पर आई विल स्लीप. डू इट फॉर 6 months एंड विदाउट एनी एक्सक्यूज, डू इट फॉर 6 months, देन सी आप अपने आप देखोगे योर लाइफ विल चेंज फॉर गुड. एंड ऑल्सो अच्छा एक एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ. आप डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं तो आप अपना खाना लेकर जाओ, हाँ ठीक है, अगर आप प्रोफेशनल के साथ एक वर्क कर सकते हो देन प्लीज़ डू दैट, बट इफ़ यू कैन नॉट दैट्स स्टिल ओके, स्टिल फोकस ऑन दिस थिंग कि आप अपना डब्बा पैक कर ले जाओ और वही खाओ. और हाँ ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है दैट दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि मैंने अपने प्लान में भी लिखा है, खुद ने आपने अपने प्लान में भी लिखा है एंड यू कैन ईट इट, डेफिनेटली गो हैड ऑर्डर इट. बट अगर आपको लगता है नहीं, यू नो, इससे मुझे और एन्जाइटी हो जाएगी, या फिर यू नो, अगर आपको वो गिल्ट आता है बाद में बहुत तगड़ा वाला दैट आपने कुछ बहुत गलत किया है अगर आपने बाहर खा लिया, या कुछ सेट ऑफ रूल्स जो आपने बनाए थे वो ब्रेक करें, देन इट्स बेटर दैट यू टेक योर डब्बा अलॉन्ग विथ यू. एंड आई मीन लेट अदर पीपल डेफिनेटली ऑर्डर, बट यू फोकस ऑन टॉकिंग विद देम, इंगेजिंग विद देम, इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द फूड. तो बस इतना सा अपना फोकस चेंज कर लो एंड डेफिनेटली यू विल सी अ वेरी बिग डिफरेंस. और अगर आप ये चीज़ें कर लोगे, ऑटोमेटिक थोड़े टाइम में आपका वेट लॉस होना चालू हो जाएगा, बट यू हैव टू कीप द फेथ. और वेट लॉस को थोड़ा दिमाग से निकालना पड़ेगा, ओनली देन द ईटिंग डिसऑर्डर विल गो अवे. बिकॉज अ वेरी बिग रीज़न ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर इज़ यू वॉन्ट टू लूज़ वेट, बट आप नहीं कर पा रहे हो, आप फेल कर रहे हो बार बार. ये भी बहुत बड़ा रीज़न होता है जिस वजह से लोगों को ईटिंग डिसऑर्डर हो जाता है. एनीवेज, ये थी मेरी आज की वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट टू यू एंड आई एम विथ यू इन दिस जर्नी ऑफ वेट लॉस एंड फिटनेस. एंड आई रियली होप दैट यू अचीव योर टारगेट वेट इन 2024. अभी बहुत लंबा टाइम है इस साल में एंड दिस इज़ द बेस्ट मंथ टू स्टार्ट इट. स्टार्ट तो करो, 6 months में यू विल रियलाइज यू हैव चेंज योर लाइफ कम्प्लीटली फॉर गुड. So, all the very best and I will see you in my next video. Niche comment sections mein batana what next video you want to watch and I'll try to make it for you all. Bye guys, take care.